नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। माई बाप, हमने एक बार किसी से पूछा, परम पूज्य स्वामी जी भी यहाँ के विराजमान हैं, आप हमारे भारत के एक बहुत अच्छे दार्शनिक, 1990 के दशक में, 80 के दशक में, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से तर्क के आधार पर लोहा मनवाया था, ऐसे हमारी ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की शान, जबलपुर के गाडरबारा में जन्मे, मध्य प्रदेश की वीर प्रसूता भूमि में आचार्य रजनीश ओशो, उनके यहाँ के उनके सन्यासी और यहाँ के प्रमुख, नेपाल के प्रमुख आचार्य स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। और आपसे हम अभी जब ऊपर बैठे बैठे खूब गप सप कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। माई बाप, हम आपको बता रहे थे, हमने एक दिन विचार किया, जनक जी ज्ञानी है पर ज्ञान का संबंध नेत्रों से, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान का संबंध भी नेत्रों से है पर जल का संबंध भी नेत्रों से, आंसू। जनक जी ज्ञानी तो हैं पर जब तक जनक जी ज्ञानी रहे तब तक उन्हें परमात्मा नहीं मिले। जब उनके आंखों में, यहां जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ते ही महाराज जनक ने श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर चलाया, और श्रद्धा का हल जब भी विश्वास की भूमि पर चलाया जाता है तब तब भक्ति माता पृथ्वी से प्रकट हो जाती है। श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर महाराज जनक ने चलाया तो उस हल का फल माता जानकी निकली, उस हल चलाने का फल माता जानकी जी निकली, और माता जानकी है भक्ति। हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा, जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार आएंगे। और प्रभु श्री राम यहां दूल्हा बनकर आए, तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली, राम जी यहीं रहवा, कहाँ जावा हो? राम जी बोले, क्यों यहाँ रहें? सखियां बोली, जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले, ऐसी कौन सी डिश है जो हमारी अयोध्या में नहीं? सखियां बोली, यहां ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहां प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से उन्हें गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच लेना। हाँ, पक्का है। अच्छा, एक बात और, धन्य है, जय हो मैया, धन्य है नेपाल, धन्य है ये भूमि, धन्य है यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु बहरे हैं, जहाँ पशुपतिनाथ है, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ है। अच्छा देखो, यहाँ दो नाथ है, पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ, पर हम लोग कैसे अनाथ? जहाँ लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो भी नहीं सकता है।
नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपत नाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ है? ये तो सनाथ है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो, भगवान जाने होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाए। और ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम गांव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। तो यहाँ के हमारे जो मेंबर हैं उनसे कहना है कि ये लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए। तो आई एम बागेश्वर धाम सरकार, और उसमें लिख दिया जाए कि इन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहाँ हम लोग प्रवचन सुन रहे, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो इनोग्रेशन, आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी भाई, हमने कहा कोई बात तो हम, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है। और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। और संत आ गए तो संत, देखो हम जाएं संतों के पास ये हमारा भाग्य है, और ये संत चलकर हमारे पास आए ये हमारा सौभाग्य है। धन्य है नेपाल। नेपाल के लिए हम आज एक ही बात बोलना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे आप लोगों की सामूहिक अर्जी लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहां लहराती रहे। जय श्री राम। देखो बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अब किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। हाँ देखो हम तो साफ कहना, खुश रहना। हाँ, और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके, एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। हाँ, लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है। तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी भाई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए हैं, कुछ लोग इसीलिए भी आए कि देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं है, लेकिन हम बात एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। अच्छा आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। हम आए हैं तो भंडारा करवाएंगे तो खर्चा भी होगा, ये अलग बगल में खड़े हैं तो अद्भुत है। ये हनुमान जी की लीला है, और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं, भगवान की बड़ी कृपा। ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे। हाँ छोटों में, हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो? हमने कहा नहीं हम सुनते नहीं हैं, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू मिलता है। बोले कैसे? हमका खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी के .. अच्छा इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि इन्हें ये लगे कि ये VIP है, अब वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। अब बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है, वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेला हैं, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन हैं, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर ये कार्य करेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता रहे थे, जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर दे, तेरे दादा का थोड़ी लगना है, तेज कर, नोट बराबर लेगा, माइक धीरा करेगा। राम धन्य है। रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी महाराज, जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए, जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से कहारने लगे, शरीर में पीड़ा हुई। तो किसी ने जटायु जी से कहा
बड़ा सीताराम 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 करते थे, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं, तुमसे भी कहेंगे, बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाएगा, बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, क्या हो जाएगा। कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे, आज देखो आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाते, दर्शन कर पाते, आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले, बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला, धन्यवाद क्यों दे रहे। बोले भैया, पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। और यही हम तुमसे कहना चाहते, नेपाल के पागलो, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ, एक बुरी बात मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते, हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलों, जितने भी लोग यहां बैठे, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना। या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी श्रद्धा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना, 100 जगह एक एक फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, 1 जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। अब बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं, हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा, जब तक पर्चा का अपने शरीर में अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे नहीं। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। बोले गुरु जी, हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव, एक प्रार्थना करें हम। हम का करो। बोले गुरुजी, हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूं, उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूं। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व, केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की इस सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत तो गत्वा, कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले, अपने घर जाना और बागेश्वर बालाजी से कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इतने के बाद खूब मुस्कुराओ। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे हो। और भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता है।
स्वयं आएंगे राम जी। एक कथा और फिर विराम, हमको जाना है। अहिल्या को कौन कौन जानता है रामचरितमानस में? अहिल्या, अहिल्या हाथ उठाओ। बाकी लोग श्रीलंका से हैं क्या? हैं तो भाई राम नेपाल की है ना, अहिल्या को नहीं जानते? नक्कटाहर। सुनो, अहिल्या वो है जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला। अब कौन कौन जानता है? ठीक, हाथ नीचे करो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी, उससे पूछा आप कहाँ रहोगे? अयोध्या में? नहीं। अहिल्या बोली हम अयोध्या में नहीं रहें। फिर कहाँ रहोगी? अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना। जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे तो भगवान गुजरेंगे जरूर शादी के लिए। वो चाहे जितने बड़े हो जाएं, कभी ना कभी तो भक्ति से मिलने आएंगे ना, और भक्ति से मिलने आएंगे तो हम गली में ही मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस भक्ति के नगर में हो कि हाँ स्वभाववश आपका उद्धार हो जाएगा। तो मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ को प्रणाम करके, अच्छा आप तीन नाथ जुड़ गए, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और बागेश्वरनाथ। तीन तीन नाथों के हाथ में अगर अपनी नाथ हो, तीन तीन नाथ के हाथ में अगर अपनी नाथ हो तो फिर कौन अनाथ होगा? इसलिए आप सब सनाथ हैं, मुस्कुराइए, हंसते रहिए और हम आपको मिलेंगे अब कथा में खूब। हम सामूहिक अर्जी अभी आप लोगों की लगा देते हैं, पर्चा वाली वहां लगाएंगे 20 तारीख को शाश्वत धाम में, जहाँ है तो वहाँ पर समय निकालिए। कौन कौन आ रहा कथा में? अच्छा, बाकी लोग बेचारे बहुत बिजी होंगे ना, अति से मत आना वरना पाप का काम हो जाएगा ना, घर पे ही रहना। हाँ बोलो सीताराम। सब लोग वहाँ पहुँचना, हमारा बहुत बहुत मंगल। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं फिर हम जाब। अच्छा अभी जब हम आ रहे थे ना, हमारी चटनी बना दी, तो कृपा करके चपेलना नहीं, दूर से प्रणाम करना ताकि हम यहाँ से साकुशल घर जाएं, नहीं तो माता जी हमारी पीटेंगी। हाँ दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो। Thank you.
चाहिए। सभी लोग बैठ जाएं, कोई बोले नहीं, बोलिए पशुपतिनाथ भगवान को, मुक्तिनाथ भगवान को। सभी लोग बोलिए बागेश्वर भगवान को, बालाजी सरकार को, बागेश्वर सभी भाग्यशाली है कि अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को जगाने वाले, पूरी दुनिया में हनुमान जी की गदा घुमाने वाले, वैदिक सनातन संस्कृति का बीजारोपण दोबारा करने वाले सनातन धर्मोद्धारक परम पूज्य बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हमारे नेपाल देश में पधारे हैं। हम सभी उनका हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन करते हैं। नेपाल ऋग्वेदकालीन भूमि है, जहाँ एक काठमांडू इसको काष्ठ मंडपम के रूप में हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है, काष्ठ मंडपम। ये हिमालय का उपत्यका छोटा कैलाश और पशुपति का क्षेत्र, जहां पर मुक्तिनाथ विराजते हैं, जहां पर पवित्र गंडकी तमाम अमृतदायिनी नदियां बहती हैं, अनादि काल से वैदिक सनातन संस्कृति का केंद्र रहा है। उसी सिलसिले में पूरे दुनिया का भ्रमण करते हुए परम पूज्य महाराज श्री आप सभी के बीच में आए हैं। मेरी आप सभी से विनती है, हाथ जोड़कर, किसी को दर्शन का आनंद नहीं होगा, सभी लोग न बोलें, सभी लोग शांत रूप से महाराज जी से आशीर्वाद लें, यही मेरी शांति का परिचय दें। नहीं तो महाराज जी क्या सोचेंगे कि हम नेपाल में गए, वहां लोगों ने बड़ा उहापोह किया। ये शांति का देश है। तो ये वैदिक सनातन भूमि है और हमको इस बात का पता है कि नेपाल में महाराज श्री से प्रेम करने वाले, उनको चाहने वाले, उनको जानने वाले, उनके दर्शन के लिए बहुत वर्षों से लालायित हैं और उसके ध्वजावाहक के रूप में हनुमान जी बन करके हमारे वरुण चौधरी जी आए, जो पहली बार महाराज श्री को आप सभी के बीच में लाने वाले वरुण चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिनके माध्यम से महाराज श्री आए। हम सभी को पता है कि आप सभी के मन में बहुत आस है, बहुत प्यास है, और उस प्यास को बुझाने के लिए हमारे बीच में सरकार पधारे हैं। अब वो समय दूर नहीं है जब हम सभी को, जैसे भारतवासियों को, इंग्लैंड वासियों को, पूरे दुनिया के सनातन संस्कृति जानने और मानने वालों को अपना नेतृत्व प्रदान किया है, ऐसे हम नेपालवासी सभी हिंदू भाइयों को भी अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। महाराज जी का चमत्कार आप टीवी के माध्यम से, आप YouTube के माध्यम से,
देखते होंगे, हम इंग्लैंड के कई मंचों पर महाराज श्री के साथ रहे, लेकिन जब वहाँ गोरे आए, दुनिया के तमाम देशों से आए, तो उन्होंने पहली बार सनातन संस्कृति का चमत्कार भी देखा। ऐसे महाराज श्री को बहुत बहुत बारंबार मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, और नेपाल की पावन भूमि को उन्होंने धन्य किया, और भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में। आज महाराज जी का कार्यक्रम बहुत बिजी है, और कल से चितवन में 3 दिन का हनुमत चरित्र का कथा रखा गया है, और आप सभी लोग दर्शन और जो दरबार होगा वो चितवन में होगा। आज कोई दरबार नहीं है, केवल आप सभी के लिए दर्शन के लिए महाराज जी से प्रार्थना किया गया जो आप सभी के मध्य में आए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्याम परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजुबं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभिधेयं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि लालो देहे लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीशु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चा बुद्धिहीन तनु जान सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर सिया बल राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भई सब संतन की जय बोलो भई मात पिता की जय नेपाल के पागलों की बागेश्वर धाम की पशुपतिनाथ को मुक्तिनाथ भगवान की भगवती पराम्बा जगदम्बा जानकी मैया की भगवती पराम्बा जगदम्बा हमारी प्रिय श्री जानकी मैया की यहाँ हॉल में बैठे वीआईपीओं की हर 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 जय सियाराम। सर्वप्रथम भक्ति की भूमि ज्ञान के जनक दिव्यता के जनक और जिन्होंने
जिनका नाम भी जनक, ऐसे महाराज जनक की इस पावन भूमि, एक ऐसा राष्ट्र जहां सनातन की खुशबू त्रेता युग से अभी तक विद्यमान है, ऐसी नेपाल की इस भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यह वो भूमि है, नेपाल के जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं आपको गौरवान्वित होना चाहिए, ये वो भूमि है जहाँ जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। ये वो भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की नगरी है, और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। और हम तो पहली बार आए हैं आप लोगों के बीच में, हमारे प्रिय श्री वरुण चौधरी जी, उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। वरुण चौधरी जी धाम गए बागेश्वर, उन्होंने कहा गुरुजी आप एक बार नेपाल चलो। हमने कहा देखो भाई ऐसे तो हम बहुत ही उपद्रवी आदमी हैं, क्या करेंगे चलकर। आप बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, सब उपद्रव ठीक हो जाएंगे। तो हनुमान जी का नाम लेके पशुपतिनाथ भगवान को हम बना, इनको आने दो, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, आओ आओ कम हियर माय जी, माला उठा बच्चा राम रुचा। जय श्री राम। आप सब बैठ जाओ कुछ देर, वैसे हमें लगता कि मोबाइल की जरूरत नहीं है, अपने दिल को खोलने की आवश्यकता है। चित्र क्या खींचना है, खींचना ही है तो चरित्र को खींचो। तो आज हम वरुण जी के कारण 5 दिन तक इस भक्ति की भूमि पर रहेंगे, जहां 3 दिवसीय हनुमंत कथा का महामहोत्सव शाश्वत धाम में होगा, 1 दिवसीय 20 तारीख को वहाँ दिव्य दरबार भी लगेगा, और आज हम भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करेंगे, यही मंगल कामना करेंगे, यह राष्ट्र हमेशा वृद्धि करता रहे। ओ बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय
नमः ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, एक साल में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है। अर्जी लगाते ही बागेश्वर बालाजी की कृपा होने लगती है, सेना आने लगती है और भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी, प्रश्न, जिज्ञासा लेकर के आप बैठे हो, जिस कारण से अति दुखित हो, बहुत ज़्यादा अवहेलना सहेली हो, जगह जगह भटक लिया हो, तो आप जो भी प्रश्न लेकर आए, मन ही मन तीन बार बोलो ओम। ओम ओम कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे पशुपतिनाथ भगवान, हे मुक्तिनाथ भगवान, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी विनती सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से बॉडी की नेगेटिविटी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर हो जाए। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी का एंटी क्लॉक में उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा स्पर्श कराओ। सब लोग बैठ जाओ जो खड़े हैं, बोलो बागेश्वर धाम की जय। आप लोग सब एकत्रित रहो, सनातनी एकत्रित रहेंगे तभी हमारा आपका सनातन धर्म बचेगा। हम कथा तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, असलियत में सभी सनातनियों को पूरी दुनिया में जगाना है। मस्तक पर टीका कौन कौन प्रतिदिन लगाता है, अब कौन कौन लगाएगा? हमको गुरु दक्षिणा में यही दीजिएगा, मुस्कुराते रहिए। और आज हमें अभी वरुण जी ने बताया, आने के पहले कला जगत से अभिनय करके इस नेपाल राष्ट्र में जो संस्कृति का, यहाँ की साहित्य का, यहाँ की कला का प्रचार कर रहे हैं, वो सब भी विराजमान। बागेश्वर पीठ आपको भी खूब आशीर्वाद देती है, आपका मंगल हो और आपके करियर में नित्य उन्नति हो। और अभिनय करने वाले सभी फिल्म अभिनेताओं से एक ही सूत्र देंगे हम, बेहतरीन अभिनेता बनना है, बेहतरीन अभिनय करना है, तो जिंदगी को ही अभिनय मान लीजिए। और अगर आप जिंदगी को अभिनय मान लेंगे तो आपसे बड़ा कोई भी अभिनेता नहीं हो सकता। और पुनः वरुण जी, इनके पिताजी, खूब आशीर्वाद।
आप लोगों की ड्यूटी तो है ही है, जब तक हमें तुम्हारे मुंह पर बाजे बजते रहेंगे। और हमारे स्वामी जी भी विराजमान, सभी यहाँ के गणमान्य, यहाँ के नारद जी की भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार बंधु, नारदीय परंपरा है ये। यस, नारद का मतलब चुगली नहीं होता, नारद का मतलब जिसकी वाणी कभी रद ना हो वो नारद। और इन लोगों की वाणी कौन रद्द करेगा? इन लोगों की वाणी कोई रद्द करेगा? इसलिए नारदीय परंपरा है जीते जी। इस नेपाल राष्ट्र के लिए मंगल कामना करते हुए हम 3 दिन कथा सुनाएंगे, ताकि नेपाल हमेशा उन्नति करे और विश्व के पटल पर ये हमेशा ध्वजा फहराता रहे। और ये कथा केवल और केवल नेपाल राष्ट्र को समर्पित करने आई, ताकि हमारे नेपाल की आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, और जो नेपाल को बिछड़ा और पिछड़ा मानते हैं, कभी उन्हें आकर देखना चाहिए कि भक्ति में कितना सबसे आगे है हमारा नेपाल। तो आप सब मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ जो जहां है वहीं बैठे रहिएगा, हमें सुख मिलेगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो हम साकुशल चले जाएंगे, तो बैठे रहिएगा कृपा करके, क्योंकि हमें स्पर्श नहीं करना, दूर से प्रणाम करना है। और होटल वाले बुरा ना माने, हमने आपकी ब्रांडिंग कर दी, हाँ, तो हमको फ्री कर दिया जाए सब है। और हमारे वरुण भैया का ही है का, तो ठीक है, ये अच्छी भजाई। जय श्या राम। एक सबजना आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला, कृपया आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला, यो ठाउँ अगाडिबाट हटिदिनु होला, कृपया कृपया सर त हजुर हटिदिनुहोस्, कृपया सबैलाई। अघि सुरुमा हामी अलिकति ओभरवेल्ड भयौँ पनि, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ भिड भयो, त्यसो नगरौँ, हामीले हाम्रो अनुशासन देखाउँ, सनातनी अनुशासन देखाउँ। एकैछिन साइडमा बस्दिनुको लागि अनुरोध गर्दछु, अरू सबै साथीमा पछाडिपट्टि साइडमा बस्दिनँ, यहाँ छेकियो, यतापट्टि पनि बस्दिनको लागि अनुरोध गर्छु, आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। एकैछिन एकैछिन अरू एकैछिन निर्दय निर्दय करिश्माजी फुल फुल लिएर आउनु यो लाइनमा, अनि म परिचय गराउँछु, अगाडिबाट गरिदिउँ, चप्पल चप्पल नलगाउँ हजुर। मैले बोलाएँ करिश्माजी, जुत्ता यसो खोलिदिनु होला, पहिला रमाजी देविकाजी दिपाजी जुत्ता जुत्ता चप्पल खोलेर आउनु पर्यो, अलिकति पर गरिदिनु पर्यो हजुर, अलिकति पर अलिकति पर। तपाईँहरू तपाईँ यसो गर्नुभयो भने यो भएन नि, यसो गर्नु राम्रो भएन, अनुशासन देखिएन है।